हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये ट्रेड परिचय एवं सुरक्षा सावधानियां, यानी पहला चैप्टर है। मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको, ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस, ये पहला चैप्टर है। फ्रेंड्स क्या है कि जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ऑल ट्रेड्स लिखा हुआ, ऑल ट्रेड का मतलब क्या है? ऑल ट्रेड का मतलब ये है कि जितने भी ट्रेड आईटीआई के हैं या फिर जो भी ट्रेड दिया गया था आईटीआई का एग्ज़ाम देने के लिए सीबीटी टू एलपी के लिए, तो उसमें जो है कि सेमेस्टर फर्स्ट का जो कि कॉमन है, मैंने जो देखा मिला करके कि कुछ टॉपिक जो है कम से कम सेमेस्टर फर्स्ट समझ लीजिए, पूरा ले लीजिए आईटीआई का, सारे ब्रांच के लिए कॉमन है वो टॉपिक जो है कि हर ब्रांच में दिया गया है। मैंने ट्रेड निकाल के देखा है, निम्मी का ट्रेड और उसके बाद एनसीवीटी का प्रश्न और डीजीईटी का जो दिया गया है, जो हमारे रेलवे ने अपनी वेबसाइट पर दिया है, तो कम से कम 70% ट्रेड हमारा कॉमन है। तो वो कॉमन जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं ऑल ट्रेड के लिए अभी उसी पर मैं ऑप्शनल लेकर आया हूँ, ताकि सभी ट्रेड के बच्चे देख सकें, ठीक है। और मैंने आरएससी का वीडियो बनाया हुआ है, 4 वीडियो है आरएससी का, और करीब करीब 4 या 5 वीडियो जो है कि डीजल मैकेनिक का है और आरएससी का। तो डीजल मैकेनिक और ऑटोमोबाइल वाले बच्चे उसको दे सकते हैं, ट्रैक्टर मशीनिंग और ये सब वाले जितना भी है, आईसी इंजन के बारे में, इंजन के बारे में टोटल दिया है, तो जिसके ट्रेड में इंजन आता है वो सब लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। और आरएससी वाले आरएससी देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट में दे दूँगा उसका लिंक, आप देख सकते हैं वहाँ से। और ये जो वीडियो है, अब इस तरीके का वीडियो ऑल ट्रेड के लिए मैं, जो कि कॉमन जो ऑल ट्रेड के लिए है वो वीडियो मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, और क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आईटीआई के एग्ज़ाम में, जो एनुअल एग्ज़ाम आईटीआई का होता है उसमें पूछे जाते हैं, तो उन सब क्वेश्चनों के यहाँ पे आने की संभावना इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी प्रिकॉशन पहला चैप्टर जो आईटीआई में दिया हुआ है उसका है, और इससे क्वेश्चन जो है कि आने की संभावना हो सकती बन सकती है और आएगा पक्का, क्योंकि पहला चैप्टर है। तो पहले और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फोटो खींच करके अपने फोन से फिर मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। तो पहला इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रेन का निरीक्षण अंतराल कितने माह का होता है। तो क्रेन का जो निरीक्षण अंतराल होता है ये 14 माह का, यानी 14 माह पर, यानी 1 साल 2 महीने पर जो क्रेन होती है उसका पूरा निरीक्षण किया जाता है कि उसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, फिर उसका ओवरहॉलिंग किया जाता है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है उसको सब ठीक ठाक किया जाता है। तो ये काम कितने माह में होते हैं? 14 माह में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लिफ्ट का निरीक्षण अंतराल कितने माह का होता है। लिफ्ट का निरीक्षण अंतराल, यानी जो लिफ्ट होती है जो ऊपर नीचे जाने के लिए बड़े बड़े मॉल्स में और बड़े बड़े जो है कि कई फ्लोर के जो घर होते हैं उसमें लगे होते हैं लिफ्ट, आपने देखा होगा लिफ्ट्स को, बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा। तो उसका निरीक्षण अंतराल कितने समय का होता है, उसका इंस्पेक्शन कितने समय पर किया? तो 6 महीने पर, 6 महीने पर उसका जो कि इंस्पेक्शन किया जाता है, 6 महीने पर लिफ्ट को जो है कि देखा जाता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, ग्रीसिंग से लेकर ईयरिंग बीयरिंग जितनी चीज़ें हैं सब कुछ ठीक किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए 41 क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पर कि कार में आयल निकालने का सर्वश्रेष्ठ स्थान क्या होता है। कार से जो आयल निकालने का सबसे सही स्थान जो क्या होता है, तो होता है फ्लोर पेन। फ्लोर पेन से जो कि कार से ऑयल निकाला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, एएलपी सीबीटी टू के लिए, सभी ट्रेड जितने भी ट्रेड के बच्चे हैं सब देख सकते हैं इसको। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर 48 मैंने लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा हुआ आपने देखा है। और तो कृत्रिम श्वसन विधि का कौन कौन से प्रकार है, ठीक है। तो देखिए पहला सिल्वेस्टर विधि, लोबोर्ड विधि, सेफर विधि, तो ये तीनों कृत्रिम श्वास विधि के प्रकार हैं। तो ये सभी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो याद कर लीजिए, सिल्वेस्टर विधि, लोबोर्ड विधि, सेफर विधि, ये सभी जो है कि कृत्रिम श्वास विधि के प्रकार हैं। क्वेश्चन में कभी कभी जो पूछ देगा कि इनमें से कौन कृत्रिम श्वास विधि है, तो 3 अलग दे देगा और 1 इनमें से दे देगा, जो तीनों दिख रहे हैं इसमें से 1 ऑप्शन डाल देगा और 3 इससे अलग डाल देगा, तो आपको पहचानना होगा। तो याद रहेगा आपको, तो पहचान लेंगे हाँ ये वाला जो है कृत्रिम श्वास विधि है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर मैंने जो है कि देखिए 51 क्वेश्चन लिया है, दाब पात्र का निरीक्षण कितने माह के अंतराल पर किया जाता है। प्रेशर जो होता है, प्रेशर वेसल जो होता है, प्रेशर वेसल कहते हैं उसको, दाब पात्र, इसका निरीक्षण कितने माह के अंतराल पर किया जाता है? तो ये 2 साल के अंतराल पर, यानी 24 माह के अंतराल पर इसका निरीक्षण और इंस्पेक्शन किया जाता है, उसमें जो कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है उसको ठीक किया जाता है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, चाहते हैं कि मैं इस टाइप के ऑप्शनल क्वेश्चन चैप्टर वाइज बनाऊँ,
तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को जो भी। और अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे सीधे जुड़ जाएंगे। और बगल में एक बेल आइकन होगी, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो कोई मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बातें कम कर किया जाए तो अच्छी बात रहेगी। देखिए अब जो आ गया है, अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 59 है कि निम्न में से कौन से वर्ष में OSH एक्ट प्रस्तावित हुआ, ठीक है। तो OHS एक्ट जो है कि ये प्रस्तावित कब हुआ, ये सेफ्टी से रिलेटेड एक्ट है, ठीक है, 1970 में, ठीक है। ये लीजिए, अब आपके सामने बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया, क्वेश्चन पूरा आ नहीं पा रहा स्क्रीन पर, तो देखते हैं कितना आ पाता है स्क्रीन पर। ये करीब करीब 3 ऑप्शन आ गए हैं, चलिए ठीक है, इसमें आंसर है तो। ओह सॉरी सॉरी, थोड़ा मुझे इसको डाउन करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है कि पूरे भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इसके द्वारा दिए गए, थोड़ा नीचे और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पूरे भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इसके द्वारा दिए गए एक ही पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो है कि यानी ITI के जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो कौन से पाठ्यक्रम का पालन करते हैं, ये क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा गया है, ठीक है। और इसका आंसर भी यहीं पे है, NCVT होता है, लेकिन NCVT में होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, NCVT, यानी NCVT के पाठ्यक्रम पर पूरे भारतवर्ष में ITI का काम चलता है। इसके वर्कशॉप में रक्तस्राव रोकने के लिए सही प्रथम उपचार क्या है, NCVT फरवरी 2016। तो वर्कशॉप में रक्तस्राव रोकने के लिए सही जो है कि प्राथमिक उपचार वो है स्वच्छ कपड़े से कटने वाले स्थान पर सीधा दबाव डालना, यानी जहाँ पे कट गया हाथ वहाँ पे स्वच्छ कपड़ा लगा करके हमको सीधा प्रेस करना चाहिए जिससे खून का थक्का जम जाता है। तो ये जो है कि सेफ्टी से क्वेश्चन है, ठीक है, वर्कशॉप में रक्तस्राव रोकने के लिए प्राथमिक या प्रथम उपचार यानी प्राथमिक उपचार, ये NCVT फरवरी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है ITI के पेपर में, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ आपके सामने अगला क्वेश्चन जो 62 नंबर पे है, क्वेश्चन है कि लिफ्टिंग के गतिकी तरीके में गलत स्थिति क्या है, यानी लिफ्टिंग यानी लिफ्ट के चलने में उसमें गलत स्थिति क्या हो सकती है। तो 4 ऑप्शन दिया है, एक पैर के थोड़ा आगे होने के साथ पैरों के बीच की चौड़ाई 18 इंच होना, तो ये गलत स्थिति नहीं है, ये सही स्थिति है। पीठ का सीधा होना, ये भी सही स्थिति है। भुजा के शरीर के यथासंभव निकट होना, ये भी सही स्थिति है। और ऑप्शन डी जो है कि ये गलत होगा क्योंकि पालथी के अनुरूप घुटने का पूर्ण मुड़ा होना, तो मुड़ना सही नहीं स्थिति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है कि डी होगा, ठीक है, ओके। ये देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 जो हमारे सामने आ गया है, 63, आग रोकने के लिए किस वस्तु को दूर करना चाहिए। देखिए ये भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों मैं ITI के पूछे एक प्रश्न क्यों ला रहा हूँ आप सोच रहे होंगे, इसलिए कि मैं ये समझना चाहता हूँ कि NCVT क्या क्वेश्चन पूछता है, उसी हिसाब से रेलवे हमसे पूछेगा, वहीं से उठा करके पूछ देगा सीधे सीधे। तो देखिए आग रोकने के लिए किस वस्तु को दूर करना चाहिए, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को दूर रखना चाहिए। ऑक्सीजन रहेगा तो और तेज़ आग पड़ेगी, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नाइट्रोजन से नहीं प्रॉब्लम होगी, आर्गन से नहीं, लेकिन अगर आग लगी है वहाँ पर और ऑक्सीजन आप दे देंगे तो ऑक्सीजन क्या है, आग को और बढ़ा देगा ना, ऑक्सीजन में आग बहुत तेज़ लगेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ तब दिखेगा आपको, ये कि दिखाए गए चित्र में चेतावनी चिन्ह को पहचानिए। तो देखिए ये जो चित्र बना है ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया, देखिए NCVT फरवरी 2016 लिखा गया है। तो दोस्तों देखिए कुछ फिगर भी उसमें आएंगे एग्जाम में, ITI में ज़्यादातर फिगर ही दिया गया है, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो फिगर को भी माइंड में आप बना के रखिएगा। सेफ्टी वाला खासकर जो चैप्टर है, अगर आप बुक लिए होंगे तो आप वहाँ से करिएगा, ठीक है। और ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ जो चैप्टर है, ये तो आपको CBT 2 में भी काम करेगा सेफ्टी वाला चैप्टर, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो CBT 1 है उसमें भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ दिया गया है, ठीक है।
टॉपिक, तो वहाँ पर भी काम करेगा। चलिए ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो फिगर है वो किस चीज़ का है? तो वो फिगर जो है कि हानिकारक जोखिम का है, मतलब कोई आप जोखिम मत लीजिए उसके बारे में। आग के लिए अलग फिगर, यहाँ पे आग बनी रहती है। कमज़ोर छत के लिए अलग, खराब लिफ्ट के लिए अलग फिगर होता है। तो ये जो है कि हानिकारक के लिए, डेंजर के लिए, ठीक है। बिजली के के पास देखते हैं, अधिकतर लगाया गया है बिजली के खंभों के पास, आप देखेंगे लगा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए दोस्तों, 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये देखिए फिगर बना हुआ है, हाथ टाइप का कुछ बना है इसमें। NCVT 2016 में ये भी पूछा गया है, फरवरी महीने में जो एग्ज़ाम हुआ था NCVT का 2016 में, सेमेस्टर सेकेंड, उसमें एग्ज़ाम सेमेस्टर सेकेंड, हाँ शायद सेकेंड ही होगा, चलिए कोई भी सेमेस्टर हो। तो ये इसका क्या मतलब है? तो जो हाथ टाइप का बना हुआ है आप देख रहे हैं सामने, इसका मतलब होता है अनिवार्य चिन्ह, ठीक है, कंपलसरी का ये चिन्ह है, ठीक है। अब समझ गए, फिगर को ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं तो मैं थोड़ा फिगर और बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए दिख रहा, इस फिगर को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इसका मतलब होता है अनिवार्य चिन्ह, ठीक। चलिए फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 हमारे सामने है, औद्योगिक सुरक्षा के उद्देश्य क्या हैं? 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो औद्योगिक सुरक्षा के उद्देश्य क्या हैं? उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन बढ़ाना, इंडस्ट्री में बेहतर संबंध स्थापित करना, ये सभी। तो जो औद्योगिक सुरक्षा का जो मेन उद्देश्य क्या होता है, ये अगस्त 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सभी हो जाएगा। देखिए औद्योगिक सुरक्षा, सेफ्टी रहेगी तभी उत्पादन भी बढ़ेगा, यानी दुर्घटना हो जाएगी तो मशीन बंद हो जाएगी, वर्कर जो कि डैमेज हो जाएंगे तो उत्पादन कैसे बढ़ पाएगा, ठीक है। तो वही उत्पादन की लागत भी, उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन की लागत घटाना तो सही बात है, दुर्घटना कम होगी, सुरक्षा ज़्यादा रहेगी तो उद्घाटन उत्पादन की जो कि लागत जो घटेगी, बिल्कुल घटेगी, ठीक है, कम होगा, ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। इंडस्ट्री में बेहतर संबंध, सही बात है, जब सुरक्षा रहेगी तो आपसी बेहतर संबंध भी रहेगा। तो कुल मिलाकर ये सभी ऑप्शन जो है कि सही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमने 10-15 क्वेश्चन कर लिया। तो फ्रेंड्स, एज अ डेमो मैंने केवल आज डाला है, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो इस टाइप का, अगर चाहिए तो कमेंट्स करके मुझे बताइए, मैं तुरंत जो है कि चैप्टर वाइज ऐसे क्वेश्चन और ज़्यादा बना के डालूँगा, ठीक है।